गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज भावना। सो गाइज आज मैं आप लोगों से ये वाला मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ एंड ये मेकअप लुक है रक्षाबंधन मेकअप लुक। सो गाइज ये मेकअप लुक बहुत ही ज्यादा ईजी है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी जो कि आप बहुत ईजीली मेकअप लुक रिक्रिएट कर सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरा ये वाला मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो आपको मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी पड़ेगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगती है एंड मेरा ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगता है तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक एंड आपको करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। देखते हैं कि मैंने ये वाला मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने लिप्स एंड फेस को मॉइस्चराइज करना है। मैंने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लिया लिप बाम से। इस पे लगाऊंगी ये मामा अर्थ की सनस्क्रीन एंड इट्स माई फेवरेट सनस्क्रीन गाइज। इसने मेरे न्यूट्रोजिना वाले सनस्क्रीन को भी रिप्लेस कर दिया है। बहुत ही ज्यादा अच्छी सनस्क्रीन थी गाइज बट अब मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है। सो आपको इसको ऐसे मैं अपने फेस पे सीरम लगाऊंगी एंड ये है गुड वाइब्स का रोज़हिप ऑयल। ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस। ये हमारे फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है एंड हमारे फेस पे ग्लो भी प्रोवाइड करता है। देन मैं अपने फेस पे प्राइमर लगाऊंगी एंड प्राइमर इज मस्ट इम्पॉर्टेंट गाइज। अगर आपको अपने फेस को एंड अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है तो मैं यहाँ पे कलर बार का ये परफेक्ट मैच प्राइमर लगाऊंगी। बहुत ही टिंजी मिंजी सा लेना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। मैं इसको अपने नोज एरिया पे लगाएंगे एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। ये वीडियो मैं अपनी ननद के वहाँ बना रही हूँ, दैट्स व्हाई आपको मेरा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। मैं अपने यहाँ पे नहीं बना पाई ये वीडियो बिकॉज मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ननद के घर ही ये वीडियो यू नो शूट करूँगी। सो गाइज उसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी मेबेलिन का ये पोरलेस मैट फाउंडेशन एंड इट्स माय फेवरेट फाउंडेशन गाइज। मैं बहुत ही टाइम से ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक जब से मुझे फाउंडेशन के बारे में पता चला है मैंने यही फाउंडेशन यूज़ किया है। इसमें मेरा जो शेड है वो है 115। गाइस ये मेरे स्किन टोन से एक दो शेड लाइटर है। गाइस ये फाउंडेशन आपके स्किन में ऑक्सीडाइज हो जाता है। अपने शेड से एक दो शेड लाइटर यूज करती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर में हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग यू नो परफेक्टली मैच हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके बाद गाइज मैं लगाऊंगी यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर एंड ये भी है मेबेलिन का फिटमी कंसीलर एंड मेरा शेड है टैन लाइट। तो गाइज ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर है एंड मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है गाइज बट कभी कभी यू नो पिम्पल्स हो जाते हैं तो उनके डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं। सो बस जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़े से यू नो डार्क स्पॉट्स हैं मैं वहाँ वहाँ पे इसको लगाऊंगी एंड लिटिल बिट मैं इसको अपनी अंडर आई एरिया पे लगाऊंगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कंसीलर है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड गाइज हमें इसको डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है, हमें इसको यू नो ऐसे रब नहीं करना अपने फेस पे। सो गाइज मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब ये ADS का लग्जूरी बनाना पाउडर। सो गाइज अब मैं यहाँ पे करने वाली हूँ बेकिंग, तो मैं अपने हैंड्स पे थोड़ा सा ये बेकिंग पाउडर लूंगी एंड मैं इसको एक स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको जहाँ जहाँ जो ब्राइटन अप करना है अपना एरिया मैं वहाँ पे इसको लगाऊंगी एंड गाइज इतना ज़्यादा अच्छा ये लूज पाउडर है, बहुत ही अफोर्डेबल साइड पे एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका जो प्राइस था गाइज मैंने आपको काफ़ी बार बताया, इसका जो प्राइस है वो ओनली 120 रुपीज़। सो मैंने इसको अपने पूरे फेस पे लगा लिया, इससे क्या होगा ना गाइज इंस्टेंटली मेरा जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन अप हो जाएगा। सो गाइज 2 मिनट के लिए हमें इसको अपने फेस पे ऐसे ही छोड़ देना है, तब तक हम अपनी आईब्रोज को सेट कर लेंगे एंड आईब्रोज को सेट करने के लिए गाइज मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये ADS का आईब्रो पाउडर एंड आईलाइनर जेल है। तो एक साइड पे इसके अपर पार्ट पे आपको यू नो आईब्रो जेल मिल जाएगा एंड मतलब आईब्रो पाउडर मिलेगा एंड ये है आपका आईलाइनर। बट गाइज मैं इसी से अपनी आईब्रोज को सेट करूँगी। गाइज जो ये जेल आईलाइनर होता है ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड बहुत ही आपकी आईब्रोज को काफ़ी देर तक यू नो ऐसे स्टे करता है आपकी आईब्रोज पे। तो गाइज वैसे ये है आईलाइनर, जेल आईलाइनर, बट मैं इसी को अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ये काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है हमारे आईब्रोज को।
गाइस हमारी आईब्रोज हो गई है फिल, एंड गाइस आईब्रोज जो होती है ना वो फिल करने के बाद आपका जो फेस होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब आपका पूरा ऐसा लगता है कि आपको और कोई मेकअप की नीड ही नहीं है। एंड जो आप देख रहे हैं गाइस, जो मैंने यहाँ पे ये कुर्ती पहनी हुई है, ये जो ड्रेस है ये मैंने अपने बर्थडे के लिए ली थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट करी थी। बट गाइस मैं यू नो ये ड्रेस नहीं पहन पाई, एक तो मेरे इयररिंग्स नहीं आए थे, मैंने आपको बताया था क्लब फैक्ट्री हॉल में मैंने आपसे शेयर किया है, सो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं इसको अपने रक्षाबंधन मेकअप लुक में यू नो कैरी करूंगी, पहनूंगी एंड मैं अपने वो इयर रिंग्स भी पहनूंगी। गाइस हमारे 2 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड हमारी बेकिंग भी हो गई है, अपने जो ये एक्सेस पाउडर है इसको रिमूव कर रही हूँ। सो गाइस अभी आप देखना कि जहाँ जहाँ पे हमने अपने फेस पे लूज पाउडर अप्लाई किया था वहाँ जो हमारा फेस है वो कितना इंस्टेंटली टर्न अप हो गया होगा। सी गाइज आप देख रहे हैं, मतलब मेरा जो फेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन अप हो गया है एंड मेरे जो यहाँ पे पिंपल के यू नो डार्क स्पॉट्स थे वो भी बहुत ही ज़्यादा लाइटन हो गए हैं। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आई मेकअप, एंड आई मेकअप के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना मास्क का ये पर्ल आई शेडो पैलेट एंड इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शिमर शेड्स है गाइज। सी सो गाइज मैं इसमें से यहाँ पे लूँगी ये रोज़ गोल्ड कलर, बिकॉज मेरी जो ये ड्रेस है वो रोज़ गोल्ड कलर की है एंड ये रोज़ गोल्ड कलर को लेके एंड देन मैं हल्का सा ये शिमर लेके, सो गाइज देखते हैं कि हम कैसा आई मेकअप करते हैं। मैंने अभी इतना ज़्यादा नहीं सोचा है, बस करते जाते हैं एंड हमारा आई मेकअप कैसा निकलता है वो देखते हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी क्रीज पे लगाने वाली हूँ ये लाइट शेड, सी ये बहुत ही ज़्यादा लाइट शेड है एंड मैं इसको अपनी क्रीज पे अच्छे से प्लेस करूँगी, लाइट शेड है गाइज। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ एंड मैं यहाँ पे लूंगी ये जो डार्क पिंक कलर का शेड है गाइस, सी एंड गाइस ये तो शिमर शेड होता है ना, ये अपनी फिंगर की हेल्प से लगाने में ज्यादा इजीली लगते हैं। तो गाइस सी आप देख रहे होंगे कि बहुत लाइट प्लेस हो रहा है, तो मैं इसको अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ। यहाँ पे लूंगी ये जो रोज गोल्ड कलर शेड है सी इसको, एंड मैं यहाँ पे इसको एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से ले रही हूँ। देन गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे लूंगी ये लिटिल बिट थोड़ा सा यू नो पर्पलिश काइंड ऑफ कलर है, तो मैं इसको ले रही हूँ यहाँ पे एंड मैं इसको अगेन अपनी यू नो इनर कॉर्नर के साइड पे इसको प्लेस कर रही हूँ। मैं अब इसको अपनी फिंगर की हेल्प से लूंगी एंड मैं इसको अपनी पूरी आईलेट पे प्लेस करूंगी। सो गाइज ये बिल्कुल सिंपल सा आई मेकअप है, मैंने इसमें कोई भी ज्यादा यू नो हैवी आई मेकअप नहीं किया है, बिकॉज मैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग अपना मेकअप रख रही हूँ एंड मेरी जो ड्रेस है वो रोज गोल्ड कलर की है, तो एंड मेरे इयर रिंग्स भी रोज गोल्ड कलर के हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट जाएगा मेरे आई मेकअप में। सो गाइज मैं अपनी लोअर लैश लाइन के क्लोज क्लोज यही रोज गोल्ड कलर एंड ये लिटिल बिट पर्पल कलर को लेके इसको अपनी लोअर वाटर लाइन के यहाँ पे लगाऊंगी। गाइस हमारे यहाँ पे जितना भी शिमर्स की वजह से फॉल आउट हुआ है मैं इसको अच्छे से रिमूव कर लूंगी। लाइनर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना स्ट्रे क्विर्की का आईलाइनर एंड ये ब्लैक कलर का लाइनर है, एंड गाइस मैं बहुत ही नॉर्मल लाइनर यू नो अप्लाई करूंगी। काजल लूंगी एंड मैं बहुत ज्यादा यू नो थिक काजल नहीं अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे लूंगी मेबेलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा एंड ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मस्कारा है, ये भी वाटरप्रूफ मस्कारा है गाइस, तो ये भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड ये आपकी आईलैश को बहुत ही अच्छे से कर्ल कर लेता है। एंड गाइस मैं यहाँ पे कोई भी आईलैश कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज अनाया ने मेरा आईलैश कलर यू नो ब्रेक कर दिया, उसने तोड़ दिया है एंड कभी मेरे पास नहीं है, तो नॉर्मली हम यू नो अपना आई मेकअप थोड़ा सिंपल सा ही रख रहे हैं।
जो कि बहुत ही इजी पीजी सा है एंड बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एंड मैं इस मस्कारा को अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। देख सकते हैं गाइज, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड मैं यहाँ पे अब लगाऊंगी ब्लश, बिकॉज ब्लश लगाना मुझे काफी पसंद है। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबेलिन का कलर शो ब्लश, एंड इसको मैं अपने यू नो एप्पल ऑफ द चीक्स पे लगाऊंगी एक स्माइल के साथ। गाइज, हाइलाइटर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ शिवाना का शिमर ब्रिक हाइलाइटर, एंड मैं इसमें से ये गोल्ड कलर है लिटिल बिट शैम्पिन एंड रोज गोल्ड कलर को लेके अपने चेक बोन पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एंड अपने फोरहेड पे लगा लूं। गाइस, मैं इस शैम्पिन कलर को लेके अपने उन पे भी लगाऊंगी। लास्ट में मैं अप्लाई करने वाली लिपस्टिक, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट पार्ट है। एंड गाइस, मैं ये लिपस्टिक लगाऊंगी मैट मी की अल्ट्रा स्मूथ मैट लिप क्रीम है ये, एंड मेरा जो शेड है वो है रोज ब्लॉसम 409, एंड ये ADS की लिपस्टिक है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी मैट फिनिश देता है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है गाइज, एंड इसका जो शेड है वो भी रोज ब्लॉसम है, तो आज सब रोज़ रोज होने वाला है। मेकअप लुक हो गया है कंप्लीट। तो गाइस, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। नॉर्मली ओपन कर रखा है बिकॉज मैंने अभी आज मैंने हेयर वॉश नहीं करा था, तो गाइज मेरे हेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं बिकॉज मेरा जो स्कैल्प है वो थोड़ा ऑयली है, तो मैंने कल हेयर वॉश किया था। तो मैं यहाँ पे कोई भी अपनी हेयर स्टाइल नहीं बना रही हूँ, बट आप अपने पसंद की कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं एंड आप ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। एंड गाइज, ये मेकअप लुक बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी सा है, तो आपको 10 टू 15 मिनट्स में आप एक बहुत ही अच्छा मेकअप लुक अचीव कर सकते हैं। गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो जो कि थी रक्षाबंधन मेकअप लुक। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा हो एंड आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ऐसा कुछ था तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।